गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का रोम रोम से शुक्राना है कि गुरु जी ने ये अवसर दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि गुरु जी का गुणगान मैं अपने तोतले मुंह से कर सकूं। एंड थैंक यू वेरी मच टू गुरु जी, बिकॉज गुरु जी सब जानते हैं, हर चीज ही सत्संग होती है। जो हम महसूस करते हैं, हम सोचते हैं, बस वही सत्संग है, लेकिन हमारी जिंदगी ही एक सत्संग बन चुकी है। तो ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरी दिसंबर 7 को मेरी जॉब लगी थी, वो भी गुरुजी ने लगवाई है, और वो भी 7 तारीख को। तो गुरुजी की ही देन है, जब गुरुजी ने जॉब देनी है तभी गुरुजी देते हैं। और गुरुजी ने जॉब लगवाई है, बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन सारा टाइम उसी में चला जाता है, और फिर बाकी के सांसारिक काम करने के लिए हार्डली कोई टाइम बचता है। और मुझे जिस दिन जॉब लगी थी, गुरुजी जानते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन स्ट्रेस था, कि मैं जो मेरा वेडनेसडे का 5 बजे का सत्संग है, जो मैं इतने महीनों से, इतने सालों से कर रही हूँ, वो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि 5 बजे तो मेरा फुल फ्लेजेड काम चल रहा होता है शाम को। एंड कई बार मतलब नहीं, 5 बजे तुम छुट्टी नहीं ले सकते। तो मैं वही सोच रही थी, और उस जिस दिन जॉब लगी है उसी दिन मुझे शाम को फ़ोन आता है कि मेरा एक चैनल में मंथली सत्संग, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि मंथली सत्संग कर सकते हो, एंड एट अ लेट इवनिंग का टाइम दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या देना था, ये सब गुरुजी करते हैं, सब गुरुजी ही कहलवाते हैं। गुरुजी ने उसी टाइम आंसर दिया कि तेरी सेवा बरकरार रहेगी। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे ये भी था कि मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ इतने सालों से, एंड गुरुजी इसका भी जरूर कोई ना कोई जवाब देंगे, कोई ना कोई सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे याद करती हूँ, और ऐसे करके मेरा छुपने का मन करता है, क्योंकि मेरे पास जॉब जब चल रही होती है तो मैं नहीं आ पाती हूँ। मेरा मन कर रहा होता है आने का, लेकिन मैं आ नहीं पाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गुरुजी ने इसका भी जवाब दे दिया। इसका भी गुरुजी ने मुझे मंथली सत्संग करवा दिया है। मुझे आंटी जी, नीलम आंटी, प्यारी सी, जो इतनी ब्यूटीफुल सी आंटी हैं, उनका फ़ोन आया, लेकिन मैं उनको क्रेडिट नहीं दे रही, क्योंकि गुरुजी ने करवाया है ये काम। सब गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी ने आंटी के माइंड में एक थॉट डाला होगा, और आंटी ने मुझे फ़ोन किया, तो वो भी एक बहुत ही प्यारा सा जवाब मुझे गुरुजी ने दिया कि जो मैं कर सकती हूँ वो मैं उसको डेफिनेटली मैं निभाने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन हर हफ्ते करने का मन बहुत करता है, बहुत करता है, लेकिन मैं शायद नहीं आ पा रही हूँ। और क्योंकि वो जॉब भी गुरुजी ने दिलवाई है, गुरुजी आपको जिस राह पे डाल देते हैं बस उसी पे लगे रहो, क्योंकि गुरुजी ने करवाया होता है। गुरुजी सब जानते हैं कब किसको क्या चीज़ देनी है। मैं कुछ साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा दूसरी जॉब ढूंढ रही थी अपने मनपसंद की UK में, तब गुरुजी ने नहीं दी, क्यों, गुरुजी की मर्जी थी, और अभी गुरुजी ने दी है। तो बस ये सब गुरुजी की मर्जी के साथ चल रहा होता है। अभी शब्द भी चल रहा था ना, मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा। तो सतगुर हमारे पूरे हैं, सतगुर हमारे बहुत बड़े हैं, उनको उनकी व्याख्या करना हमारे बस की बात नहीं है। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पल पल देख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम क्या कर रहे हैं। वो तो गुरुजी जाने, गुरुजी क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या हम कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि गुरुजी इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग विद अस, एवरी सेकेंड, एवरी नैनो सेकेंड। हमारे मन में क्या विचार चल रहा है गुरुजी जानते हैं, 100% जानते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपके मन में जो विचार चल रहा होता है उसका जवाब आपको हूबहू, बिल्कुल उसी सवाल का जवाब आपको मिलता है जो सवाल आपके मन में चल रहा होता है। तो ये हमारे गुरुजी हैं। और मैंने गुरुजी से एक बात कही थी कल,
और वही ना, अब कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने शायद गुरु जी से शायद अनजाने में मांग ही लिया था। मैंने कहा था, गुरु जी आप करवा रहे हो, आपका सत्संग आप ही करवाते हो हर चीज, लेकिन मैं जाके क्या कहूँगी, क्योंकि मैंने जितने भी सत्संग मुझे जितनी जानकारी है, जितना मुझे महसूस हुआ, उतने तो मैंने कह दिए हैं। मैं रिपीट जरूर कर सकती हूँ अपने सत्संग, लेकिन आप मुझे एक सत्संग बताओ जो मैं कल जाके मैं सत्संग रिलेट करूं। आप मुझे एक सत्संग दो, आप मुझे एक सत्संग दो। फिर मैं मन ही मन में सोच रही थी कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा, गुरु जी जैसे आपकी मर्जी। तो देखो सत्संग हो ही गया, क्योंकि आज मैंने गलत टाइम सिलेक्ट कर लिया था ऑनलाइन आने का, 7 o'clock। मैं मेरे पता नहीं बिल्कुल मन से चला गया कि बड़े मंदिर का तब ब्रॉडकास्ट होता है, और मैंने ये गलत टाइम सिलेक्ट किया। मैं ऑनलाइन आई और मेरे अंदर ही अंदर मुझे तकलीफ हो रही थी कि मैं क्यों आई हूँ, क्यों आई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग। फिर मुझे गुरुजी ने वो डिलीट करवाया, 2 मिनट का या 5 मिनट का सत्संग होगा, वो गुरुजी ने डिलीट करवाया ताकि मैं बाद में उसी दिन अपना सत्संग ठीक से कर सकूं। क्योंकि जैसे गुरुजी करवाना चाहते हैं हम सत्संग वैसे ही करना चाहते हैं, हम वैसे ही करें, गुरुजी ही करवाएं जो करवाना है। तो वो एक गलत डिसीजन हो गया। और एंड देखो नॉट मेनी पीपल ज्वाइंड, एंड मुझे अंदर तकलीफ भी हो रही थी। क्यों तकलीफ हो रही थी अंदर, मुझे थोड़ी ना उस टाइम तक मुझे याद भी नहीं आया, क्योंकि मैं मतलब जॉब में बिजी एंड एवरीथिंग, मुझे याद भी नहीं आया। मैं दूर थी बहुत, सिटी के ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स दूर थी। मैं वहीं से भाग के आई कि मुझे सत्संग करना है 7 बजे। मुझे बिल्कुल उस समय बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि 7 बजे तो बड़े मंदिर का ब्रॉडकास्ट है। चलो एनीवे, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन मुझे अंदर से तकलीफ भी हो रही थी कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सत्संग 7 बजे। और मुझे तब भी याद नहीं आ रहा था कि बड़े मंदिर का ब्रॉडकास्ट अभी शुरू हो गया होगा, तो मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे अंदर से तकलीफ हो रही थी। और देखो गुरुजी ने एहसास करवाया, बहुत स्ट्रांग एहसास करवाया। पहली बार ऐसी मिस्टेक हुई है जहाँ मेरे मन में बिल्कुल मैं भूल चुकी थी कि 7 बजे बड़े मंदिर का ब्रॉडकास्ट होता है। बिल्कुल आज मेरे जहन से निकल चुका था, पता नहीं क्यों। एनीवे, तो फिर गुरुजी ने अभी जाके ये सत्संग करवाया और मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है कि गुरुजी ने जैसा करवाना है वैसा गुरुजी करवा रहे हैं। हम गुरुजी के मार्ग पे चल रहे हैं, उनकी आज्ञा के साथ चल रहे हैं। क्या जैसे ही हम उनकी आज्ञा से थोड़ा सा दूर जाते हैं ना, हमें खुद वो तकलीफ होती है अंदर। ये तो मैंने देखा है, हमारा इंस्टिंक्ट गुरुजी बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। हमारे इंस्टिंक्ट से ही हमें पता चल जाता है दैट समथिंग इज रॉन्ग, जो हमको पहले नहीं पता चलता था, लेकिन अब हमें पता चल जाता है, क्योंकि गुरुजी ने हमारा जो इंस्टिंक्ट है ना, या फिर गुरुजी ही हमारे इंस्टिंक्ट है, पता नहीं, लेकिन हमारे इंस्टिंक्ट गुरुजी बहुत स्ट्रांग कर देते हैं, और उससे हमारे अंदर से ही आवाज आ जाती है। और इसी को बोलते हैं कि जो गुरुजी की शक्ति है, गुरुजी हमें थोड़ी सी जो हमें शक्ति हमें प्रदान करते हैं, उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं अपने जीवन में, कि हमारे अंदर से ही हमें एक एक कॉलिंग आ जाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। सो शुक्राना है गुरुजी का कि हमारी जिंदगियों को चला रहे हैं, भूल चूक हमें हमारी माफ करें। और अगर हमने इस जिंदगी में अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगी, अगर दूसरों की गलतियों की माफी उन्हें नहीं दी, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हमारा समय आएगा, क्योंकि उस दरबार में कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ एक चीज चलती है कि हमने अपनी जिंदगी में कैसी जिंदगी हमने बिताई है, कितनी सेवा की है, सिमरन कितना किया है। गुरुजी ने सेवा सिमरन और श्रद्धा के साथ जो हमें सत्संग का मार्ग दिखाया है, वो हमने कितना किया है। ऊपर जाके सिर्फ हमें हमारे सुने हुए भजन कीर्तन गुरबानी, हमारे अच्छे जो कर्म है जो हम साथ लेके जाएंगे, जो हमने माफ़ी दूसरों को दी, और चाहे जितनी भी तकलीफ हमें क्यों ना पहुंचाई हो, और हमने अपनी गलतियों की माफ़ी भगवान से मांगी, तो यही एक जिंदगी है जो हमें ऊपर जाके एक थोड़ा सा सक्सेस दे सकती है इस जिंदगी को बिताने का। कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमने अच्छी जिंदगी बिताई, बस ऐसे ही पता चलेगा ऊपर जाके। ये एजुकेशन गुरुजी ने दी है हमें,
और बस गुरु जी के मार्ग पे अगर हम चले तो हमारा, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो गुरु जी के मार्ग पे चलना बहुत 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 जरूरी है। हमारे कर्म एक एक सेकंड में हमारे कर्म लिखे जाते हैं, है ना, गुरबानी में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, तो हर जगह लिखा ही हुआ है। तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि धर्म भी भगवान का बनाया हुआ एक रास्ता है। हमें एक मोड़ तक जाके फिर धर्म भी छोड़ना पड़ता है जब हम भगवान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन उस मार्ग तक, उस मोड़ तक जाने के लिए हमें धर्म की जरूरत है। तो हमारे सब धर्मों में लिखा हुआ है कि हमारे कर्म लिखे जा रहे हैं एवरी सेकेंड। जब हमें ये एजुकेशन गुरुजी ने दे दी है तो फिर हम अपने कर्म क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते, फिर हम अपने आप को क्यों नहीं पुलिस कर सकते। हमें अपनी अपनी खुद की प्रोटेक्शन करनी है, सोल की प्रोटेक्शन बाय प्रोटेक्टिंग अवर कर्म। हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं, उसी से हम अपनी सोल की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसको और मैला होने से बचा सकते हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमें एक एक मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, हमें एक मनुष्य जीवन दिया गया है जो बहुत ही उच्च कोटि का एक योनि होती है, सबसे ऊंची योनि होती है, और हमें दी जाती है ताकि हम भगवान से जुड़ पाए। हमें हमारा जो इंटेलिजेंस है वो हमें इस रास्ते पे यूज करना चाहिए कि हमें जो एजुकेशन मिल गई हम उसको आगे बढ़ाएं, गुरुजी से और जुड़े, भगवान का नाम ले, सिमरन करें, पाठ करें, पूजा करें, हम अपना गुरबानी सुने, माफी दे दूसरों को, माफी मांगे अपने कर्मों के लिए। बस इसको इसी राह के लिए अपनी इंटेलिजेंस यूज करें, क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जब हम यूज करते हैं तो वो हमारे रास्ते का पत्थर भी बन सकती है हमारी इंटेलिजेंस। क्योंकि फिर हम अगर ज्यादा इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो फिर हम गुरुजी पे विश्वास कैसे करेंगे, हमको गुरुजी पे विश्वास ही नहीं करने देगा। हमारी जो लॉजिक है, हमारा इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, हमें गुरुजी पे विश्वास नहीं करने देगा। हम सोचेंगे गुरुजी तो हमें दिखते नहीं, हम फिर भी विश्वास किए जा रहे हैं। दिस इज नॉट इंटेलिजेंट, दिस इज नॉट लॉजिकल। हम अपने ऊपर ऐसा कर सकते हैं अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को हद से ज्यादा यूज करने की कोशिश करें। इसलिए गुरुजी ने कहा है ना, इंटेलिजेंस बाहर जुतियों के साथ उतार के आओ, क्योंकि इंटेलिजेंस का कोई काम ही नहीं है। जहां हमने गुरुजी से जुड़ना है, जहां हमने गुरुजी से लिफ लगानी है, सुरत जोड़नी है और अपना मन लगाना है, प्यार करना है, जिन प्रेम की हो तिन्हें प्रभ, है ना, उन्हीं को प्रभ मिलता है जिन्होंने प्रेम किया होता है। वो शब्द के अभी वर्ड्स में बोल रही हूँ, लेकिन तो यही है, गुरुजी ने कहा है कि हमें प्रेम से अपने जीवन बिताना है और गुरुजी को प्रेम करना है। तो बस यही है आज का सत्संग, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं। मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी, जैसे गुरुजी ने बुलवाया, क्योंकि गुरुजी से यही अरदास जरूर की थी कि जो बुलवाना है गुरुजी ने बुलवाना है, गुरुजी ने ही मुंह से वही शब्द निकलवाने हैं जो गुरुजी की मर्जी हो, जो गुरुजी की आज्ञा हो और जो गुरुजी ने संगत को पहुंचाने हो। हम सिर्फ गुरुजी एक माध्यम की तरह हैं जिन्हें गुरुजी यूज करते हैं अपनी संगत में, अपने जो टीचिंग्स हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड शुक्राना सारी संगत जी का जुड़ने के लिए, और शुक्राना है नीलम आंटी का जो गुरुजी की आज्ञा के साथ जिन्होंने मुझे वक्त दिया। 22nd ऑफ एवरी मंथ आई विल बी हियर ऑन गुरुजी का सिमरन, गुरुजी की आज्ञा के साथ, और हम गुरुजी की गुणगान करेंगे साथ जुड़कर, मिलजुल कर। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।